हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ फारा। उड़द की दाल है और चने की दाल है। इसको 2 घंटा पहले भिगा दी हूँ। इसको बारीक से पीस देंगे दाल के। अच्छा से पीस के हो गया है। इसको देखते हैं कैसा पिसा है। ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। कच्चा चावल है, इसको भी 2 घंटा हुआ भिगा दी हूँ। और भिगा के हो गया, मिक्सर में डाल के पीस देती हूँ हल्का बारीक से। अब पीस के अच्छा से हो गया है। ऐसा इतना बारीक होना चाहिए। गेहूं का आटा है, इसको भी मिला देती हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, अच्छा से मिक्स कर देती हूँ। पानी डाल के मिला देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी डाल के गूंथ देती हूँ आटा को। गूंथ देती हूँ अच्छा से और सर्कल का शेप बना के रख देती हूँ साइड में। जीरा, काली मिर्च, मिर्चा, धनिया, इसको बारीक से पीस देती हूँ मिक्सर में डाल के। पीस के हो गया है। उड़द की दाल है जो पीसी थी और चने का, उसमें मिक्स कर देती हूँ। सब मिला देती हूँ अच्छा से। स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। मिक्स कर देती हूँ अच्छा से मिला के। और लहसुन भी आप डाल सकती हैं, प्याज भी, लेकिन मैं नहीं डाली। ऐसा सेब बना के अच्छा से, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, इसमें भर देती हूँ अंदर डाल के। हल्के हाथ से दाब देती हूँ, अच्छा से दाब देती हूँ ताकि दिखाई नहीं दे। ऐसा सेब बना के तैयार करके रख देती हूँ। बन के तैयार है। कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें पानी डाल देती हूँ 1 लीटर पानी। पानी गर्म हो गया है अच्छा से। जाली को रख देती हूँ ऊपर से। जो बनाई हूँ फारा उसको अंदर से डाल देती हूँ। और मेरे गांव में तो फारा कहते हैं, आपके गांव में क्या कहते होंगे मालूम नहीं। आप कमेंट में बताना आपके गांव में क्या बोलते हैं। रख के हो गया है, इसको ढक देती हूँ। 20 मिनट हो गया, इसको खोलती हूँ। अच्छा से पक गया है। और आप भी बनाइए, कमेंट में बताइए कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।